नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमैटो लिमिटेड। जोमैटो जिसको हम जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी खाना तो ऑर्डर करते ही हैं, राइट। सो ये 140 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है अभी एंड 1.71% का इसने अप मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 1,21,561 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसकी मैं फंडामेंटल वीडियो पहले बना चुकी हूँ एंड काफी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे उसमें, जो उसमें फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है वो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये मैंने एक चैनल बनाया था पुरानी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने एक चैनल बनाया था एंड ये रेंज से निकला था, एक छोटू सी रेंज इसने बनाई थी एंड जो स्टॉक रेंज से निकलता है वो अपमूव 99.9% के सिनेरियोज में ऐसा होता है कि वो अपमूव देता ही देता है। ओके, सो ये वैसे भी अप ट्रेंड में ही था काफी टाइम से। ये देखिए, ये अप्रैल 2023 से अप ट्रेंड में है। अब तो साल होने वाला है, इसको 2 महीने कम हो गए, 10 महीने से अप ट्रेंड में है ये। सो ये मैंने एक स्ट्रांग सपोर्ट बनाया था लास्ट टाइम कि ये स्ट्रांग सपोर्ट है इसका एंड कहीं ना कहीं वहीं से ये रिवर्सल लेके वापस भी गया है। तो अभी देखिए तो ये छोटे 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 ऊपर अप मूव दिए जा रहा है, बहुत भारी मूव नहीं है बट छोटे छोटे मूव है इसके। तो यहाँ पे आज बायर्स एंड सेलर्स में काफी फाइट भी देखी गई है एंड मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ सकती है और यह कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस आया है। तो ये अभी रेजिस्टेंस काफी भारी पड़ी हुई है। अब मुझे क्यों लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, हालांकि ये कैंडल रेड है क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, बट आप ये खुद देखिए कि ओपनिंग हुई है इसकी काफी भारी भरकम। तो अभी करते हैं वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम की बात करें तो पहले आप देखेंगे तो ये 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था पिछले कल एंड आज जो वॉल्यूम आया है 31 जनवरी को वो आया है 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम। तो अब ये डिपेंड करता है कि इसकी डिलीवरी परसेंटेज कितनी जा रही है, उससे भी थोड़ा सा हमें फर्क पता चलेगा। तो अभी चलते हैं हम इसकी डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर। हालांकि आज का डिलीवरी परसेंटेज इसने यहां पे नहीं बताया, हमें बीएससी पे देखना पड़ेगा, बट पुराने डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो कोई एकदम से स्पाइक नहीं आया है। पर हम आज का वॉल्यूम चेक करेंगे एक बार, डिलीवरी परसेंटेज कितना आया है बीएससी के ऊपर कितना आया है, उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। नहीं तो मैं एक बार इसको आईसीआईसी डायरेक्ट पे भी चेक कर लूंगी, वहां पे काफी प्रिसाइजली बताया होता है क्या है। तो डिलीवरी परसेंट जो है 44.87%, 45.86%, तो थोड़ा सा डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये एवरेज है वीक का एंड ये यस्टरडे का है। आज का वॉल्यूम हम एक बार देख लेते हैं। So, आज का बीएससी का जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 45.93% है, जो कि उसके पास ही है जो पहले चल रहा था। तो एकदम से कोई स्पाइक नहीं है। आईसीआईसी डायरेक्ट पे मैंने फोन पे चेक कर लिया एंड उस पर नहीं आ रहा अभी डिलीवरी वॉल्यूम, दिखाया नहीं है इन्होंने कि कितना डिलीवरी गया आज का, दिखा नहीं पा रहे हैं ये। बट एनीवे, मुझे क्यों लगता है कि ये ऊपर जाएगा स्टॉक, उसके दो रीजन है। एक तो ये है कि वॉल्यूम बड़ा है, डिलीवरी नहीं बढ़ी है, डिलीवरी परसेंटेज नहीं बढ़ी है, डिलीवरी परसेंटेज उतना ही है बट वॉल्यूम बढ़ा है एकदम से एंड कोई ऐसा रीजन नहीं था कि एकदम से इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाए, हालांकि यहाँ पे फाइट हुई है बायर्स एंड सेलर्स में। दूसरा रीजन मेरा ये है कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, हो सकता है इमीडिएटली, मैं ये बात नहीं करी कि बिल्कुल इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, बट लॉन्गर रन में मुझे ये लग रहा है कि हाँ 3-4 दिन या 2-3 दिन के अंदर अंदर ये इस चैनल को ब्रेक कर सकता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। और वो क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई की लाइन ने स्मूथ मूविंग एवरेज की लाइन को कट किया है नीचे से एंड अभी आरएसआई के पास काफी सारा प्लेग्राउंड है यहाँ पे मूव करने के लिए। तो ये एक रीजन है जो मुझे काफी स्ट्रांग लगता है कि ये अब यहां से ऊपर जाना चाहिए। एंड रेस्ट अगर कोई और न्यूज आती है, अभी इसका Q3 का रिजल्ट भी नहीं आया, जैसे ही वो आएगा तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड अभी एक बार दूसरा लगा के देख लेते हैं हम ईएमए वाला एंड एक और हम ट्राई करेंगे इंडिकेटर, वो मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड। इसके ना मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर से आज मैं, जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो के माध्यम से, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मैं इसकी सेटिंग कैसे करती हूँ। ईएमए 1 की मैं 9 करती हूँ, ईएमए 2 की मैं 26 करती हूँ, ईएमए 3-4 मैं डिसेबल कर देती हूँ, क्रॉस 1-2-3 मैं डिसेबल कर लेती हूँ, क्रॉस 1 वाला पहले वाला जो रहता है वो मैं लगा के रखती हूँ। सो अभी करते हैं इसको ओके एंड यहाँ पे आप हम देख लेते हैं कि कोई क्रॉस तो नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी ओके, तो अभी यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं आया, इसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो ओके, ये इंडिकेटर हमारा उतना स्ट्रांग नहीं बैठता है यहाँ पे। अभी हम देख लेते हैं एक और इंडिकेटर, उसका नाम है पैराबोलिक SAR।
ये जैसे अगर डॉट्स नीचे बने तो इसका मतलब है स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर डॉट्स ऊपर बने तो इसका मतलब है प्राइस नीचे जाएगा। वैसे मैं इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होती नहीं हूं, मुझे लगता है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर भी है, ये पहले तो आपको बताएगा नहीं। आप पहले जो एनालाइज कर सकते हो वो ये ऑसिलेटर है इसके थ्रू कर सकते हो, या बाकी चैनल के थ्रू कर सकते हो, या प्राइस एक्शन के थ्रू कर सकते हो, वो चीजें जरूर है, पर ये थोड़े से लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मुझे लगता है सिर्फ डेकोरेशन पर्पसेस के लिए है, मुझे इतना कोई बेनिफिशियल नहीं लगता। पर फिर भी कई कई बार कुछ कुछ स्टॉक्स में ये बेनिफिशियल भी होते हैं, बट इसमें मुझे लग नहीं रहा अभी। सो एनीवे, अभी वीडियो में इतना ही है, कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री यहां पे बनाई जा सकती है। रेस्ट अपने एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।